हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल से। तो जैसा कि पता है कि अभी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो आज फर्स्ट डे था जो कि कंडक्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर पहले मैंने अपना जो है आंसर की से रिलेटेड मैंने जीके जीएस के क्वेश्चंस जो हैं आप लोग को अपलोड किए थे, है ना, जिसे आप लोग देख सकते हैं, अपना आंसर की से मिलाकर मैच कर सकते हैं कितने मार्क्स जो है आपके बन रहे हैं, राइट। सो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें इतने सारे अब जो कैंडिडेट्स हैं जो आप कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, मैच करने के बाद क्या होगा। देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सारे आपके जो डाउट्स हैं ना सब सारे के सारे जो है क्लियर हो जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट। तो आपको वीडियो को बस एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं आप तो, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चंस तो आपने देखा होगा, ठीक है। हम कुछ ऐसा यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने सबमिट मतलब ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसके आंसर्स को। तो मैं इसे कुछ आपको एग्जांपल्स लेने आया कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको थोड़े टफ थे, इजी थे, है ना, और किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, देखिए बहुत सारे अभी मार्केट में फिलहाल तो और काफ़ी ऐसे नहीं मतलब काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं यानी बड़े बड़े टीचर्स हैं जो हैं इंस्टीट्यूट्स के, उनका प्रेडिक्शन काफ़ी मतलब हाई दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि मतलब कि 80 चला जाएगा, है ना, और 65% यानी 65% आप समझते हैं ना, 60% ही करेंगे तो आप 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन आप बोल रहे हैं कि 72 एटलीस्ट होना चाहिए, है ना, जो कि काफ़ी अगर मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स तीनों को अलग कर दिया है मैंने इसमें, ठीक है। तो अगर बात कर देखिए इसमें सबसे कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाया आपको, फिर भी हम आप तो एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप समझ चुके होंगे कैसा एग्ज़ाम गया है। देखिए सबसे चीज़ एक चीज़ बताऊँ कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे, है ना, टोटल 120 क्वेश्चन थे। सो आउट ऑफ 120 क्वेश्चन मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, जिसमें करंट अफेयर्स अराउंड मुझे तो 10 से 12 क्वेश्चन दिखे, ठीक है। मैं फिलहाल अभी कोई ऐसे प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे मैं बिल्कुल करंट अफेयर्स को मेरे को आइडिया नहीं है उसमें, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए आंसर के साथ उसमें 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगे कि ये सारे करंट अफेयर्स के हैं। उसके बाद 76 से 78 क्वेश्चन जीके जीएस, है ना, जनरल नॉलेज प्लस साइंस दोनों को मिला के बता रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग से 32 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। और अब अगर बात करें कि देखिए इसमें ना जो क्वेश्चन थे मैथ्स रीजनिंग है, तो मैंने खुद मतलब अपने हिसाब से देख रहा था, ठीक है, कौन से सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते मुझसे। तो अभी भी अगर मैं बताऊं, ठीक है, मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा, फिर भी अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसे में 25 से 26 क्वेश्चन थे जिसे मैं इजीली क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। मतलब रीजनिंग पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ अगर थोड़ा सा टफ लग रहा स्किप कर दे रहा मैं। तो 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे थे जिसे कि किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें मैथ्स रीजनिंग में, तो मॉडरेट टाइप का अगर इसको पैटर्न की अगर बात किया तो मॉडरेट रहा होगा, है ना, और इसमें 25 से 26 क्वेश्चन जो है आप कर सकते थे। ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें देखिए अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हो उसमें, ठीक है। और थोड़े से भी अगर मैथ्स की, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता हो तो फिर तो आप एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम के रेस में हो ही नहीं पहले नंबर, ठीक है। आज के टाइम में आज इतना अगर कॉम्पिटिशन है तो इसका मतलब आपको सारे एस्पेक्ट्स आपके बारे में पता होना चाहिए, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपको कवर करना चाहिए, आना चाहिए भी, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ कि 25 जो है आपने मैथ्स रीजनिंग में आपने कवर करें। दूसरी चीज़ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है वन लाइनर थी, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं थे, एक दो क्वेश्चन थे जो इसमें उसमें पूछा गया था कि जो पद्मश्री है मतलब उनके बारे में पूछा गया थी कि वो चीज़ है, क्या है, है ना। दूसरी चीज़ अगर बात करें बाकी सब जो क्वेश्चन थे वो लगभग जो एक तो आपको ब्रिज के बारे में पूछा गया था, है ना, जो केबल ब्रिज था। दूसरा चीज़ अगर बात करें कि उसमें ओबीसी से एक जो ट्रांसजेंडर थे कौन से स्टेट में थे, ये सारे जो क्वेश्चन थे इजी है, आपने किए होंगे, है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर 10-12 क्वेश्चन भी होंगे ना तो अराउंड आपने मान लीजिए कि 8 से 10 8 to 10 क्वेश्चन तो आपको करना है, आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी जीके जीएस। अब देखिए मैं बताऊँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था जीके जीएस की, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो बोला गया कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसा चेयरमैन का भी स्टेटमेंट था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें जीके जीएस की अगर जो स्टेटमेंट उनके जो स्टेटमेंट की अगर बात करें कि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन था या नहीं था, अब इस बात पर हम बात करेंगे। देखिए मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराए, ठीक है, और मैंने एनसीईआरटी काफ़ी पहले पढ़ चुका था मैं, ठीक है, तो मुझे आज भी मैं एनसीईआरटी जो है मैं आपको पता है कि मुझमें कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे बिल्कुल थे एनसीईआरटी से, लेकिन ऐसे इतने टफ क्वेश्चन थे ना जो बाकी क्वेश्चन थे कि वो एनसीईआरटी छोड़े बाकी सब आपको
बुक है उसमें भी नहीं मिलेंगे, है ना। जो नॉर्मल बुक्स अगर आप कर रहे हैं, फॉलो करते हैं, मान लीजिए बीपीएससी के लिए भी, तो उसमें इतना नहीं मिलता डीप में, ठीक है। तो उसमें अगर बात करें जीके जी, इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसमें ईवीएस के क्वेश्चन थे, है ना। ईवीएस के क्वेश्चन थे जो कि आपको वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड थे, है ना, यानी फर्स्ट लेवल वाले जो सीरीज के हैं उनको क्या कहते हैं, है राइट। दूसरे बाद उसमें और बहुत सारे ईवीएस से 6-7 क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे पता है, तो वो ईजी क्वेश्चन थे, 6-7 जो क्वेश्चन थे शायद, देखते हैं इसमें एक बार मैंने इंक्लूड किया है या नहीं किया है। हाँ देखिए, आप इसमें दिया हुआ, देखिए मैंने कुछ फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने डाला इसीलिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो देखिए इसमें दिया है कि ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन, इसमें बोला गया उत्सर्जन, है ना, यानी कार्बन एमिशन की बात की है। तो इसमें आपको तो पता होना चाहिए कि पवन हो गया, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जीज है ना, पवन चक्रीय हो गया, सोलर से सौर सेल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आप अगर बात करिए तो आहार श्रृंखला में क्या है, शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है ना, आहार जल जाल हो गया, है ना। तो यानी ये सब सिंपल क्वेश्चन है जो ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि आपको आना चाहिए और आपने किया भी होगा, है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन था आपको इसमें, ये जो नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, ये एनसीईआरटी का है, नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ, ऑक्सीजन साइकिल दिया हुआ, फॉस्फोरस साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये जो ईवीएस के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें देखिए ये हमने करंट अफेयर्स का लिया कि मुझे लगा कि थोड़ा क्वेश्चन जो है डीप में गया हुआ है। देखिए सुभद्रा देवी जो है ये तो आप कर सकते थे कि हाँ 2023 में पद्मश्री पुरस्कार आपसे नवाजा गया, बट वो किस लिए जानी जाती है यहाँ पर दे दिया गया था। तो करंट अफेयर्स में यही एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा डीप में था, अदरवाइज़ मुझे सही लगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और ये तो बाकी जो जीके का अगर बात करें तो काफ़ी डिप में है, और ये मुझे सर्च करने पे भी नहीं मिला भाई इसका आंसर, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है इसका आंसर क्या होगा थोड़ा एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत जानना है इसके। तो ये मुझे गूगल में भी सही से नहीं मिला, हर जगह कुछ ना कुछ अलग परसेंटेज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा, ठीक है, आप मुझे बताइएगा, राइट। तो हम बात करें जीके जीएस का, तो मुझे देखिए अगर बात करें जीके जीएस तो इसमें भी अगर बात करें तो 20 एक मिनट, इसमें भी जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे जो कि आप इसको कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप बोलिएगा, मैं उसको एक एक क्वेश्चन को भी आप लोग को दिखा दूंगा कि कौन से क्वेश्चन थे जो इजी किया जा सकता था, ठीक है, इतना टफ नहीं है। अब देखिए आप जो इजी क्वेश्चन है अगर आप उसमें भी गलती करेंगे तो आप सीधे रेस से बाहर हो जाएंगे, सिंपल बात है, ठीक है। जो टफ है वो सबके लिए टफ है, बट इजी है तो आपको करना ही है, 100% आपको उसमें पूरा 100% बिल्कुल सही करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कि ये सारे चीज़ जो है, ये जो कि मैथ्स रीजन जीके जीएस करंट अफेयर, ठीक है, तो आपको मैं बता दिया कि कितने सारे क्वेश्चन जो है कैसा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करें जीके जीएस तो मॉडरेट नहीं था, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल, क्योंकि देखिए बीपीएससी की अगर बात करें जो प्रीवियस ईयर्स अगर जितने भी आप बीपीएससी के एग्जाम्स देख लो उठा के, है ना, तो उसमें जो उनका क्वेश्चन होता है ना वो आप कर सकते हैं, मतलब 70% आप क्वेश्चन किया जा सकता है, 70-75% क्वेश्चन जो है आप किया जा सकता है, खासकर बीपीएससी की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स होता है तो उसका आप 70-80% अगर आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब आप मॉडरेट टाइप के एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा ऊपर है ना, तो अगर आप करें तो 80% आप क्वेश्चन किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बट इस टाइप इस क्वेश्चन में यानी इस एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफ़ी डीप था और काफ़ी मतलब डिफरेंट था, ठीक है ना, मतलब वो आप शायद हो सकता है किसी एग्जाम में ना देखे हो, है ना। काफ़ी मेरे लिए भी खुद नया नया क्वेश्चन था, मैं पहली बार ऐसे देख रहा था कि एक तो क्वेश्चन दिया था वो गया सेशन में जो है किस जनजाति ने भाग लिया, है ना, ये काफ़ी बिल्कुल मेरे को आज तक मैं पढ़ा इतना हिस्ट्री, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि किस जनजाति ने भाग लिया था। तो और कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स दिए गए थे वो भी काफ़ी मतलब बिल्कुल मैंने नहीं सुने थे, ठीक है। खुद एक स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो बुक दी गई थी, बुक का नाम दिया गया था शायद हुंकार था, क्या शायद से हुंकार था, तो वो भी बुक मैंने काफ़ी बुक्स जर्नल्स जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं, ठीक है, मैंने जर्नल्स हैं वो मैंने काफ़ी एक लिस्ट पहले बनाई थी जब भी मैं प्रिपरेशन के टाइम, तो उस टाइम मुझे काफ़ी सारे याद किया था, बट मैंने कभी हुंकार जो है ये कभी जर्नल या बुक का नाम मैंने नहीं सुना था। तो कुछ थे क्वेश्चन जो आउट ऑफ बॉक्स थे, खास करके जो टीचर्स के लिए जो ऑलरेडी आपको बुक से पूछना चाहिए था, ठीक है ना, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ठीक है, कंपटीशन को थोड़ा अलग रखना चाहिए था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन था थोड़ा हम बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा टफ था क्वेश्चन। तो जीके जीएस तो मेरे लिए भाई बता रहा हूँ टफ उसमें रख दिया गया, है ना। करंट अफेयर्स बिल्कुल इजी बोल सकते हैं, है ना, 8 से 10 आप करते हैं तो इजी माना जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग भी मॉडरेट है, क्योंकि देखिए उसमें डिपेंड करता है कैसे लड़के हैं, मैथ्स रीजनिंग में हो सकता है कोई टीचर ही मैथ्स रीजनिंग का हो तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, या मैथ्स रीजनिंग जो
कैंडिडेट्स होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बाकी एसएससी, उनके लिए भी कोई टफ नहीं होगा, है ना। अब कोई हो सकता है कि कोई सिर्फ जीके का ही टीचर हो, ठीक है, और वो एग्ज़ाम में बैठा हो, तो उसके लिए तो भाई होना ही है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये है मेरा, एक्चुअली मेरा व्यू है, मेरा पर्सपेक्टिव है। दूसरी चीज़, ये सारे चीज़ जो मैंने आपको डाला, ठीक है, उसमें भी जो आपके कमेंट आ रहे हैं, प्लस टेलीग्राम में करीबन है ना 3600 या 3800 जो है टोटल है, ठीक है। मैं आपको उसमें उसका दिखा नहीं सकता क्योंकि स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है, ठीक है। तो उसमें उसमें ठीक है, जो भी आपने पोल्स लगाया है, ठीक है, आप खुद देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें किसी का भी ऐसा नहीं है जो कि 90 या 100 की बात करें, है उसमें कुछ है एक दो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जा सकते, हो सकता है क्या पता उनका लक अच्छा हो, है ना। 10 मारे उन्होंने, मान लो अटेम्प्ट किया हो, सही हो गया हो 8-9, है ना। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं कट ऑफ पे, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर वो बोल रहे हैं, सर वो बोल रहे हैं, ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन का जो ये है, क्योंकि सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट से बढ़िया एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, और मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, राइट। आप बस आप इसको फॉलोअप कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, कट ऑफ करती है, वेरी करती है इन सारे पॉइंट्स पे, यानी वैकेंसीज है, कैसा आपका लेवल आया, पैटर्न एग्जाम का लेवल कैसा आया, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस थे इसमें, तो फिर से वही डी ई ऑप्शंस थे, तो मैं तो बता रहा हूँ कि अगर आता भी हो ना जिसको, वो भी गलती करेगा, है ना। तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जो मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि डी है कि ई होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें है ही नहीं, तो उसमें डी जाएगा या ई जाएगा, है ना। तो डिपेंड कर रहा है कि इसमें डी, बहुत सारा 5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है, यानी कन्फ्यूज़ करने को किसी भी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो आप बोलेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं थे पर मल्टीपल ऑप्शन थे, यानी घूम फिर के अगर बात बोले तो वही चीज़ होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें पैटर्न्स को, तो आपको मैंने बता ही दिया कि पैटर्न थोड़ा क्या थे, मॉडरेट टू टफ थे, ठीक है। वो क्योंकि अगर आप जीके जीएससी मेजर सेक्शन थे, तो उसमें इनको बोलेंगे मॉडरेट टू टफ, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन थे तो बिल्कुल कन्फ्यूजन था, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होना ही है, होना है, ठीक है। और मेरे को खुद ही कन्फ्यूजन हो रहा था, मैं जब मैं आपको आंसर की दे रहा था, ठीक है, तो मेरे को खुद ही लग रहा था कि यार मतलब क्वेश्चन अगर आप अभी ऐसा है तो एग्जाम हॉल में कैसा होगा, है ना। क्योंकि एग्जाम हॉल के टाइम माइंड कुछ अलग ही काम करता है, आपको पता ही है ना। तो उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ लोग क्या सबने अटेम्प्ट पूरे 100 के 100, मतलब 120 लिए होंगे, राइट। तो अब डिपेंड करता है यहाँ पे कुछ कि लक आपका कितना वेरी करता है, कितना जो है उसको फैक्टर जो उसमें आता है। तो अब ये सारे चीज़ जो है बिल्कुल उसको कंसिडर किया जाता है, अगर कोई भी कट ऑफ देना है तो बिल्कुल ये सारे कंसिडर किए जाएंगे, राइट। तो आपने पेपर भी देख लिया होगा, आपने आंसर की मैच किया होगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना है, तो आप सेफ हो बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ, ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि जो मैथ्स रीजनिंग में कितने, अगर 25, ठीक है, 25 मैथ्स रीजनिंग मानिए, 25 to 30, ठीक है, फिर भी हम मिनिमम एवरेज लेके चल रहे हैं ना, जिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है, एवरेज पे। तो मैंने माना कि 25 हो सकता है, उसके बाद 8 to 10 अगर मान ले, तो ये हुआ आपका कितना, 25 25, कितना हो गया, 50 plus 10, ये टोटल हो गया आपको 60, ठीक है। 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको बोल सकते हैं कि ये लगभग बहुत लोगों ने किया होगा, राइट। 60 क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने किया होगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत सोचने की नहीं है। देखिए, 60 क्वेश्चन है, 60% नहीं है, ठीक है। और क्योंकि कुछ लोग का है कि 60% का मतलब आपको पता है ना कितना होता है, 60% का मतलब हो गया आपको 120 का अगर 60% निकाले तो 72 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और 72 क्वेश्चन अगर बात करें तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, 72 क्वेश्चन अगर आपका जनरल कैटेगरी से है ना, तो आप तो बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 72 70, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप तो 60 में ये बता रहा हूँ जो बिल्कुल गलती नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो ऊपर जाता है ना, तब यहाँ से शुरू होता है असली गेम, ठीक है। असली गेम स्टार्ट कब होता है, जब जो चीज़ जिसको नहीं आता है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है कि कितने लोग अब अंदर जा रहे हैं, ठीक है। आने को जिसको आता है वो तो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अगर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, यूआर से हो आप, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यूआर कैटेगरी से हो आप, मान लो यूआर कैटेगरी से हो, तो अगर आपके क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना 65 क्वेश्चन, ठीक है, 70 क्वेश्चन, कितने 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, 68 to 70 क्वेश्चन ना, जिनके भी बन रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएगा, ठीक है, पक्का, ठीक है। यू आर से आप हैं, 68 to 70 आप एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ना 80% वाला एग्ज़ाम नहीं है, आपको पता है ना। यानी अगर पेपर टफ है तो क्या होगा, पेपर टफ है तो कट भी लो जाना है, ठीक है।
ठीक है। तो आपके 68 to 70% अगर आप UR से हों तो आप बिल्कुल बिल्कुल श्योर रहिए कि आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, राइट। क्योंकि पेपर थोड़ा लेवल टफ है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल सेफ हैं और इसी अकॉर्डिंग अगर जितने भी कैटेगरी हैं आप इसमें से तीन चार मार्क्स जो है आप अपना कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बिल्कुल समझाया सही से, ठीक है, कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि मैंने खुद पेपर देखा है, खुद एनालाइज़ किया और मेरे को खुद पता था कि हाँ जीके का थोड़ा सा पेपर टफ है, ठीक है। थोड़ा सा BPSC जो अपना क्वेश्चन पेपर पहले बनाते आई हुई है उससे काफ़ी अलग ये बनाया गया है, और भी NCERT बोल के आपने कुछ और चिपकाया है ना, तो ये पेपर थोड़ा अलग है। थोड़ा सा दिक्कत तो बहुत बिल्कुल थोड़ा क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आया होगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि इमरान खान सर बोलते हैं ना जी कि घबराना नहीं है, तो वैसे आपको घबराना नहीं है, बस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आगे करते रहिए। 65 to 70 के रेंज में आपको जनरल से मैं बता रहा हूँ ना, आप हो तो एग्ज़ाम को क्लियर होगा, ठीक है। और आप बिल्कुल नए विजिटर्स को तो यार आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो है ना चैनल्स को, ठीक है। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।